खान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं मौजूद हूँ मस्कत में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने होटल वगैरह कैसे कराना है यहाँ पे, और मैं किस होटल में रह रहा हूँ, इसके क्या चार्जेस हैं और क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं और कैसा होटल है ये। मैं आपको बताऊंगी, ये एयरपोर्ट से जो है 10 मिनट की ड्राइव पर है अगर आप गाड़ी पे आ रहे हैं। अगर आप बस पे आते हैं तो 15-20 मिनट की ड्राइव पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा जो है मैंने booking.com से ये बुक कराया था। पर नाइट मुझे पड़ रहा है 9 कतरी रियाल का। पाकिस्तानी बनते हैं 5 से 6 हज़ार के दरमियान, जो करेंसी का रेट ऊपर नीचे होता है। सिंगल रूम है मेरा, इसके अंदर डबल बेड है, टीवी वगैरह लगा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। अभी फ्रिज वगैरह दिया हुआ है, नीचे रेस्टोरेंट बना हुआ है इनका, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, चीप है। और यहाँ पे आप टेलीकॉम करके उनको डायरेक्ट रूम में भी बुला सकते हैं ऑर्डर देके। और यहाँ पे नियरेस्ट जो है आपको जगह बताऊँ, मार्ट बना हुआ है जो मेन चीज़ होती है, बड़ा मार्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। बैंक बने हुए हैं, करेंसी एक्सचेंज है जो मेन चीज़ होती है, और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट वगैरह भी यहाँ पे करीब में बने हुए हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा 5 मिनट की वॉक पर। और दूसरा बस स्टैंड जो मैं आपको बताऊँ, बस स्टैंड यहाँ से है 10 से 15 मिनट की वॉक पर, बस स्टैंड बना हुआ है, वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। और ये एरिया थोड़ा सा लाइक इंडस्ट्रियल टाइप है, लेकिन साफ़ सुथरा, शोर शराबा नहीं है। थोड़ा अगर आप सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर है, तो ऐसी कोई यहाँ पे करीब में जो है घूमने फिरने की जगह नहीं है, आपको जहाँ भी जाना है तो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको कमरे का रिव्यू दिखाता हूँ, क्या क्या है कमरे में, सारी चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये गेट से एंटर होने के साथ ये टीवी लगा हुआ है, टीवी के साथ जो है ये अलमारी है इनकी, और ये सामने मिरर है, चेयर पड़ी हुई है, सॉरी मेरा सामान सारा बिखरा हुआ है इस वक्त। ये इनका बेड है, डबल बेड है, यहाँ पे दो बंदे आराम से रह सकते हैं। अगर आप दो बंदे आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत चीपेस्ट पड़ेगा, मैं अकेला हूँ तो मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा। ये इनका वॉशरूम है, वॉशरूम में दिखा दूँ, वॉशरूम भी साफ़ सुथरा है। ये मिरर इनका वॉशरूम में, और एग्जॉस्ट वगैरह लगा हुआ है, साफ़ सुथरा है। मैंने इसके रिव्यू पढ़े थे booking.com पे, लोगों ने बोला था गंदा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये पीछे जो है इन्होंने वो बनाई हुई है, छोटी सी गैलरी बनाई हुई है, यहाँ से दिन में बड़ा ज़बरदस्त व्यू होता है, पहाड़ वगैरह बने हुए पीछे से। तो ये पीछे फैक्ट्रियाँ वगैरह बनी हैं, तो अभी अंधेरा इस वक्त दिख नहीं रहा, दूर दूर की लाइट नजर आ रही है। लॉबी वगैरह, अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हैं तो सिगरेट भी पी सकते हैं, यहाँ पे एसी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। तो ये रूम है मेरा, इस रूम में आना चाहते हैं या इस होटल में आना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नाम दे दूंगा, यहाँ पे आप आ सकते हैं। नीचे से मैं नीचे जाऊंगा लॉबी में, तो उनसे विजिटिंग कार्ड वगैरह लेके नंबर वगैरह डाल दूंगा। अच्छा है होटल, अगर आप दो बंदे आ रहे हैं तो आपके लिए चीप पड़ेगा, मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा है, पर नाइट जो है मुझे 5-6 हज़ार रुपये पड़ा है, तो इट्स एक्सपेंसिव फॉर मी। खैर मैं अभी नीचे जाता हूँ लॉबी में, तो लॉबी भी आपको मैं दिखाता हूँ। मेरे पीछे होटल बना हुआ है, सेवी ग्रैंड होटल, तो इसके नीचे रेस्टोरेंट भी बना हुआ है खाने पीने का। चेकआउट मैंने कर लिया, बस अभी टैक्सी का वेट कर रहा हूँ, मैंने जाना है, व्लॉग में एंड कर रहा हूँ। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।